तो गाइज आज सीख लेते हैं हम लोग कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वह मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तुमसे शादी करने के बजाय मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहना अधिक पसंद करूंगा। गाइज है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ऐसे वाक्य को आप वुड रेदर के ज़रिए से बनाएंगे। वुड रेदर का प्रयोग होता है जब दो चीज़ों में से अपनी पसंद को बताना हो। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वी वन प्लस देन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देन, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वुड रेदर को ध्यान में रखिए। तुमसे शादी करने के बजाय मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहना अधिक पसंद करूँगा। तो मैं अधिक क्या पसंद करूँगा? कुंवारा रहना। तो आई वुड रेदर रिमेन या बैचलर ऑल माई लाइफ देन मैरी यू। I would rather remain a bachelor all my life than marry you. Bachelor का मतलब होता है कुंवारा, all my life पूरे जीवन। वो मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। वो मर जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। He would rather die than tell a lie. He would rather die than tell a lie. तो यहाँ पे अधिक पसंद क्या कर रहा है? मर जाना, इसलिए would rather die. मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक पसंद क्या हो रहा है? मर जाऊंगा। आई वुड रेदर डाई देन मैरी हर। आई वुड रेदर डाई देन मैरी हर। वो तुम्हारे नीचे काम करने की अपेक्षा त्याग पत्र देना अधिक पसंद करेगा, यानी वो त्याग पत्र देगा लेकिन तुम्हारे नीचे काम नहीं करेगा। ही वुड रेदर रिजाइन देन वर्क अंडर यू। ही वुड रेदर रिजाइन देन वर्क अंडर यू। आप क्या खाना पसंद करेंगे, चिकन या मटन? आप क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू रेदर ईट, चिकन और मटन? गाइज थैंक यू, दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप यू आर गोइंग टू गेट इट्स एडवांटेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।